यूक्रेन के भयंकर युद्ध के बीच अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट और राष्ट्रपति पद की डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप को हिलाकर रख दिया है। कमला हैरिस ने बताया कि अगर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने तो पुतिन का ब्रेकफास्ट कौन बनेगा, पुतिन का लंच कौन बनेगा और पुतिन डिनर में किसे खा जाएंगे। पुतिन को लेकर अमेरिका का खौफ वाला ग्राफ इस वक्त रिकॉर्ड तोड़ ऊंचाई पर पहुंच चुका है। डोनाल्ड ट्रंप भी डरे हुए हैं, कमला हैरिस भी घबराई हुई हैं, बाइडेन भी यूक्रेन की खबरें देखकर खौफ में हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में पुतिन एक बड़ा मुद्दा है। अमेरिका के प्रेसिडेंशियल डिबेट में कमला हैरिस ने एक तरह से ट्रंप से कह दिया है खामोश, क्योंकि रूस से 5,000 किलोमीटर दूर तक जब कोई जनरल रोता है तो चीफ कमांडर कहता है कि चुप हो जाओ, पुतिन आ जाएगा। कमला हैरिस ने कहा कि व्लादिमीर पुतिन तो डोनाल्ड ट्रंप को अपने लंच में ही खा जाएंगे। कमला हैरिस ने अमेरिका के लोगों को पुतिन की लंच वाली टेबल के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि पुतिन से लड़ने की हिम्मत डोनाल्ड ट्रंप में नहीं है, यानी डोनाल्ड ट्रंप इतने कमजोर हैं कि वो बस पुतिन की एक खुराक के बराबर हैं। अब इस बयान के मायने बहुत खतरनाक हैं। कमला हैरिस पुतिन का दबदबा बता रही हैं। पुतिन का खौफ देखिए, पुतिन को लेकर रूस के दुश्मनों में कैसा हाहाकार मचा है। कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनकी बात मायने रखती है और पुतिन को लेकर उनकी वार्निंग भी पूरे अमेरिका के लिए है। देखिए कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप से क्या कहा। And why don't you tell the 800,000 Polish Americans right here in Pennsylvania how quickly you would give up for the sake of favor and what you think is a friendship with what is known to be a dictator who would eat you for lunch. पुतिन का खौफ ही ऐसा है कि कुर्स्क से लेकर प्रोस्क और क्यू से लेकर व्हाइट हाउस के गलियारों तक पुतिन बड़ा खतरा बन चुके हैं। दहशत ऐसी है कि बस पुतिन का नाम ही काफी है। कमला हैरिस की बात को गंभीरता से लिया जाए तो डिकोड करने पर ये तस्वीर सामने आती है। कमला हैरिस के दावों को देखते हुए व्लादिमीर पुतिन की लंच वाली टेबल कुछ ऐसी नजर आएगी। इसमें पुतिन यूक्रेन के क्राइमिया को 2014 में खा चुके हैं। क्राइमिया उनकी प्लेट में देखा जा सकता है। पुतिन यूक्रेन के पूर्वी इलाके डॉनबॉस को 2022 के युद्ध के बाद खाते जा रहे हैं। डॉनबॉस को भी पुतिन की प्लेट में देखा जा सकता है। कमला हैरिस बता रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसे कमजोर लीडर हैं जिसे पुतिन अपने लंच में ही खा जाएंगे। यानी इसके बाद क्या पुतिन अपनी प्लेट में पूरे यूक्रेन और जेलेंस्की को रखने का ऑर्डर देंगे, क्योंकि तब तो जेलेंस्की का बचना भी मुश्किल होगा। कमला हैरिस का दावा ऐसा है कि जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप से भूख मिटाने के बाद पुतिन की अगली प्लेट में पूरा नेटो नजर आएगा। अमेरिका के प्रेसिडेंशियल डिबेट की चर्चा रूस की मीडिया में हो रही है और वहां बताया जा रहा है कि अमेरिका ने यूक्रेन से मिलकर के क्या साजिश रची है। Что Вашингтон передавал Киеву данные американской разведки, призналась, выступая на дебатах, вице-президент США Камала Харрис. Причем делали американцы это еще до начала российской спецоперации на Украине. О чем еще заявили кандидаты на пост президента Соединенных Штатов, расскажет Мария Скородилко. Бат бахут саф хэ, ки Путин ке юдх не пуре Америка ме ная дар пайда кар дия хэ. 20% यूक्रेन को निकल चुकी रूस की फौज को देखकर यूक्रेन आर्मी की टांगे कांप रही है और इसीलिए कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो पुतिन इस वक्त यूक्रेन की राजधानी क्यू में बैठे होते। If Donald Trump were president, Putin would be sitting in Kyiv right now. यूक्रेन में कुर्स्क इस वक्त बहुत खतरनाक युद्ध देख रहा है।
6 अगस्त से अब तक पुतिन की सेना यूक्रेन के 11,000 से ज्यादा सैनिकों को मौत के घाट उतार चुकी है। 70 से ज्यादा टैंक जला चुकी है। कुल मिलाकर कुर्स्क का ऑपरेशन फेल हो चुका है और ऑपरेशन की हथियारों वाली फंडिंग करने वाला नेटो भी पुतिन के आगे नाक रगड़ने को मजबूर है। अब कमला हैरिस की बात माने तो पुतिन तो डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति को लंच में खा जाएंगे, तो सवाल ये है कि पुतिन ने अब तक नाश्ते में क्या खाया है और डिनर में क्या खाने वाले हैं? कुर्स्क और पोक्रस्क की लड़ाई देखकर कहा जा सकता है। पुतिन अब तक ब्रेकफास्ट में यूक्रेन का डॉनबास खा चुके हैं। कमला हैरिस के मुताबिक अगर पुतिन लंच में डोनाल्ड ट्रंप को खा जाएंगे तो फिर पुतिन के डिनर वाली टेबल देखने लायक होगी। इसमें एक प्लेट पर यूक्रेन की राजधानी कीव होगी, यूरोप में मौजूद नेटो की सेना होगी और इसके साथ ही डिनर के बाद डेजर्ट में दुनिया भर में फैला अमेरिका का दबदबा, जिसे पुतिन आइसक्रीम समझकर खा जाएंगे। ज़ेलेंस्की भी मानते हैं कि अमेरिका की मदद से ही जीता जा सकता है और फिलहाल अमेरिका पुतिन से घबराया हुआ है। Обов'язково повинен був презентован до другого саміту миру для того, щоб примусити Росію до дипломатичного закінчення війни. Якщо партнери підтримують його, він полегшить Україні, точно полегшить Україні примусити Росію до закінчення війни. इसमें कोई शक नहीं कि ज़ेलेंस्की की मदद करने वाले अमेरिका को यूक्रेन में बड़ा झटका लगा है। करीब 9.5 दिनों बाद भी ज़ेलेंस्की की रिकवरी के कोई सिग्नल नहीं मिल रहे। यूक्रेन के अंदर ही ज़ेलेंस्की के 19,000 सैनिक लड़ने से इनकार कर चुके हैं और पोक्रस्क में तो यूक्रेन के 6 कमांडरों ने अपना फ्रंट छोड़ दिया है। ये साफ साफ पुतिन की दहशत है। इस वक्त सितंबर महीने को लेकर रूस का जबरदस्त फोकस है। ज़ेलेंस्की भी युद्ध के इस सबसे खतरनाक महीने को लेकर घबराए हुए हैं। सितंबर का महीना यूक्रेन की लीडरशिप के लिए बहुत अहम है। अमेरिका ने युद्ध बढ़ाने के लिए अरबों डॉलर के फंड को जारी कर दिए, लेकिन उससे भी यूक्रेन का भविष्य सामने नजर आ रहा है। इसीलिए ज़ेलेंस्की और अमेरिका से सवाल पूछा जा रहा है कि पुतिन ने जो युद्ध 24 फरवरी 2022 को शुरू किया था, क्या इसका अंत वो 24 सितंबर 2024 को करने जा रहे हैं? क्या रूस अब यूक्रेन पर पूरी तरह फतह हासिल कर लेगा? पुतिन के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं, आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की के चेहरे पर हमेशा ऐसे हालात नजर आते हैं जैसे कोई हारा हुआ जनरल बहुत कमजोर दिखने से बच रहा हो। ज़ेलेंस्की का वो वाला रुतबा गायब हो चुका है जो वो अमेरिका की मदद के बाद दिखाने की कोशिश करते रहे हैं। इसीलिए सवाल ये है कि क्या यूक्रेन और यूक्रेन के अंदर नेटो को हराने में कामयाब हो जाएंगे व्लादिमीर पुतिन, और क्या इस हार की सबसे बड़ी वजह बन जाएंगे अमेरिका के वो हथियार जिसे बाइडेन ने बहुत उम्मीदों के साथ व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के हवाले किया था? यूक्रेन से अमेरिका के इस एब्रम टैंक पर हुए हमले ने व्हाइट हाउस से लेकर पेंटागन तक दहशत फैला दी है। यही हाल F-16 का हुआ है जो युद्ध में उतरते ही मारा गया। यूक्रेन में अमेरिका और नेटो के हथियारों का फेल होना पूरे पश्चिमी देशों के लिए बड़ा झटका है। पुतिन का युद्ध बता रहा है कि अमेरिका और उसका पूरा नेटो गैंग इस वक्त रूस के टारगेट पर है, नेटो के बड़े हथियार जिनको पुतिन ने जहन्नुम रसीद कर दिया है। उनमें बड़ा नाम अमेरिका का F-16 फाइटर जेट है। इसमें अमेरिका का एब्रम्स टैंक भी है। इसमें ब्रिटेन का सबसे खतरनाक चैलेंजर टैंक है। इसमें जर्मनी का मेन बैटल टैंक लेपर्ड भी है। इसमें अमेरिका एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट भी है। इसमें अमेरिका की तोप M777 भी है। इसमें अमेरिका हाइमास मल्टी बैरल सिस्टम भी है।
और देखते ही देखते यूक्रेन में रूस की फायर पावर बढ़ती नजर आ रही है। नेटो और अमेरिका को अपनी हार का खतरा सता रहा है। देखा जाए तो बहुत से युद्ध हुए जिसमें पूरी दुनिया ने हजारों लाखों लोगों की जान जाती हुई देखी। शहर के शहर मिट गए। यूक्रेन का भी हाल कुछ ऐसा ही है और अब पुतिन के सामने है 32 देशों वाली नेटो पावर। और बहुत साफ है कि सितंबर के महीने में पुतिन की दहशत ऐसी फैल चुकी है कि अमेरिका भी मान चुका है कि पुतिन उनके लीडर्स को ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में खा सकते हैं।